अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। सबसे पहले 1 किलो हमने चिकन लिया है, 4 टमाटर लिए हैं, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, नमक हसबे ज़रूरत है, कटा हुआ अदरक है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का है और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। हमने एक बोल लेना है, उसके अंदर हमने ये चिकन डाल देना है। चिकन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक, कुटी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। नींबू का रस। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 3 चम्मच ऑयल के डाले हैं। अब ये चॉप हुए टमाटर डालूंगी। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर टमाटरों को हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद हम अब इसमें इसको थोड़ी देर के लिए ढांप के रख देंगे। अच्छे टमाटर हमारे मैश हो गए हैं। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें इस चिकन को मसाला लगाया था वो डाल दूंगी। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है और अच्छे तरीके से इसको हम पहले मिक्स करेंगे चिकन को। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, जो हमने दही डाला था वो दही वाले पानी से ही हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। अब ये हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी, डांप दूंगी इसको मैं। 15 से 20 मिनट पकने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी कढ़ाई कैसी बनी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ये देख के हमारी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बन गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी सब्ज मिर्च, खूबसूरती के लिए थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है।